जेल की चार दीवारी भी शिक्षा की ज्योति नहीं बुझा पाई। पढ़ाई लिखाई में रुचि रखने वाले बंदे जेल की सलाखों के पीछे रहकर ना सिर्फ अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं बल्कि एमबीए व एमएसडब्ल्यू जैसे कोर्स कर प्रोफेशनल बन रहे हैं। ऐसा ही नजारा रीवा की केंद्रीय जेल में देखने को मिला, जहां 400 कैदी व बंदी इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपराध करने के बाद जेल आए कैदियों व बंदियों ने अलग अलग संकायों में प्रवेश लिया है। जेल में बंद कैदियों व बंदियों के लिए भोज मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू व नियोस के माध्यम से परीक्षा संचालित कराई जाती है। बंदी अनीश पांडे एमबीए व सुनील महूबिया एमए में प्रवेश लिया है। स्नातक की परीक्षा 10 बंदियों ने उत्तीर्ण की है, 10 का परिणाम आना शेष है। 25 बंदी स्नातक और 5 ने डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया है। अनूपपुर निवासी जितेंद्र चंदेल व शहडोल निवासी ज्ञानेंद्र शुक्ला इन दिनों रीवा जेल में बंद हैं। दोनों ने जेल में रहकर एमएसडब्ल्यू की परीक्षा उत्तीर्ण की है। शिक्षा से जुड़ने के बाद अब कैदियों में व्यवहार व स्वभाव में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जेल में शिक्षक राजीव तिवारी व स्वदीप सिंह उनकी क्लास लेते हैं। जेल में जो कैदी पढ़ाई करने की इच्छा जताते हैं, जेल प्रबंधन उनका प्रवेश दिलाकर पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराता है। जेल में देखिए, जब से बंदी जेल प्रवेश करता है तो जो बंदी निरक्षर रहता है उसको साक्षर बनाने का प्रयास रहता है हमारा। साथ ही साथ जो कैदी अगर चौथी तक पास है तो उसको पाँचवीं की परीक्षा दिलाते हैं। इसके ऊपर अगर पढ़ा लिखा है तो आठवीं की परीक्षा, दसवीं की परीक्षा, बारहवीं की परीक्षा, कॉलेज की परीक्षा और पीजी की तमाम जो है क्लास हमारे यहाँ चल रही हैं। दो शिक्षक हैं हमारे यहाँ, श्री सुदीप सिंह और श्री राजीव तिवारी। ये लगातार कैदियों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ से दो कैदी जितेंद्र चंदेल, पिता हीरालाल चंदेल, ये 302 का आरोपी है। 302 में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। इसने एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्क की परीक्षा प्रथम श्रेणी में इसने अर्जित की है, सफलता प्राप्त की है प्रथम श्रेणी में। साथ ही साथ एक कैदी है ज्ञानेंद्र शुक्ला, पिता रामनिहोर शुक्ला, ये भी 302 का आरोपी है। इसने भी एमएसडब्ल्यू की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। ये दोनों ही बंदी बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ जेल में रह के सजा तो भुगत रहे हैं, साथ ही साथ ये शिक्षा के मामले में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ से जब छूट के जाएंगे तो अपना शिक्षा दीक्षा के ही फील्ड में आगे बढ़ करके अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करेंगे। ऐसे और बहुत सारे कैदी हैं जिन्होंने दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है, बारहवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की है। दो बंदी हैं महंतलाल पटेल और रामायण प्रसाद पांडे, ये अभी एमएसडब्ल्यू की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एमएसडब्ल्यू में एडमिशन लिए हुए हैं। ये दो तो पहले वाले जो हमने बताए तो ये एमएसडब्ल्यू प्रथम श्रेणी में पास कर रहे हैं, कर चुके हैं, और ये दो जो कैदी हैं ये एमएसडब्ल्यू अभी अध्ययनरत हैं, एमएसडब्ल्यू में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और एक कैदी है अनीश पांडे, पिता कुंज बिहारी पांडे, ये एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। हमारे यहाँ एनआईओएस का सेंटर है, इग्नू का सेंटर है और भोज का भी सेंटर है, तो कैदियों को कहीं बाहर परीक्षा देने जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहीं परीक्षा का केंद्र है, यहीं इनकी परीक्षाएं आयोजित होती हैं और बाहर से परीक्षा आयोजित कराने के लिए इन्विजिलेटर आते हैं, जिसको भी इन संस्थाओं द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो यहाँ आकर के परीक्षा आयोजित कराते हैं, पेपर लाते हैं, परीक्षा आयोजित कराते हैं, साथ ही साथ सील चपड़ा लगा करके एंसर शीट लेके साथ में साथ जाते हैं। तो ये है 25 कैदी ऐसे हैं जो बीए बीएससी स्नातक की परीक्षा दे रहे हैं, एडमिशन लिए हुए हैं, और 12 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने दसवीं की परीक्षा दी हुई थी, उसमें से 7 कैदी प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास किए हैं। और इसके साथ ही साथ अन्य कैदी भी ऐसे हैं जो पाँचवीं में, कुछ कैदियों ने एडमिशन लिया आठवीं में। तो लगातार शिक्षा के मामले में हमारा प्रयास रहता है कि कैदी लगातार शिक्षा के माध्यम से अपना आगे बढ़े,
किसी भी प्रकार का कोई अगर उसके द्वारा अपराध घटित हो गया है, कोई भूल हो गई है, तो यहाँ आकर के वो अपना जीवन यापन सही तरीके से संवारे, जीवन संवारे और अच्छे तरीके से यहाँ एक अच्छा नागरिक बन करके जाए, समाज में अच्छे तरीके से समायोजित हो, पुनः अपराध न करे। ऐसी जेल प्रशासन की और हमारी और विभाग की ऐसी मंशा है कि कैदी यहाँ से पूर्ण रूप से सुधर के जाए। जेल की चार दीवारी में पढ़ाई कर बंदी न सिर्फ अपने समय का सदुपयोग कर रहा है, बल्कि जेल से बाहर आने के बाद इन्हें नई शुरुआत करने का एक बेहतर मौका भी मिलेगा। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।